आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में क्या करना है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 20 जुलाई अंतिम तारीख है डीमर्जर होने का, और प्रीमियम पे आपको ऑर्डर मिलने वाला है। दोस्तों, तो रिलायंस की बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी, आपको 20 जुलाई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डेट लास्ट है। और इसके पहले एक बात आपको मैं बहुत बड़ी अच्छी चीज़ बता दूं, उसके बताने से पहले आपको मैं दिखा दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आपको ये दिखा रहे हैं रिटर्न्स एंड वैल्यूम, आपको यहाँ दिख रहा है ना रिटर्न्स एंड वैल्यूम, ये रिटर्न और वैल्यूम जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये रिटर्न्स और वैल्यूम ये आपको लाइव दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कर दूँ ताकि आप भरम नहीं, ये लाइव यहाँ पे, ये लाइव आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव, ये लाइव यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है, अब आ जाइए, ये लाइव देखते रहिए। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये पहले तो यहाँ लाइव कर दें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ रिटर्न्स और वैल्यूम पे। तो सबसे पहले रिटर्न्स देख लिया जाए, ये आपको एक सप्ताह में दिया है कितना 7%, एक महीने में 11.42% और तीन महीने में दोस्तों दिया है आपको 17%। ठीक है, तो तीन महीना पहले जो, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो प्राइस जो बढ़ी है तीन महीने से, और तीन महीना के पहले छः महीने में 11%, फिर एक साल में 14%, ये आपको एक साल तक रहने देते हैं। अब एक चीज़ आपको और दिखा दें जो आपको ज़रूरी है दिखाना हमें, चलिए देखते रहिए। ये जो देख रहे हैं ना, आज का ये प्राइस है, टाइम भी आप देखते रहिए, नहीं है तो। अब यहाँ पे जो देखना है कि एक साल और एक महीने, ये जो लेवल देख रहे हैं ना, एक साल यहाँ पे और एक महीने में 11.42 और 14.35, और यहाँ पे छः महीने और एक महीने का अंतराल देखिए, ये दो जो है एक महीने और छः महीने का अंतर। आपने देखा है दोस्तों, कभी भी अगर इस तरह का आपको जो कैंडल मिलता है, ये जो कैंडल मिलता है जो ये कैंडल मिलता है, ये झोपड़ी बनता है, तो समझ लीजिए कि इसके पीछे सबसे बड़ा खेल किसका है, MF, जिसको बोलते हैं DII, म्यूचुअल फंड वाले इतने ज़बरदस्त ख़रीदारी किए हैं। और क्यों किए हैं ये आपको लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, देखते रहिए। अब यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, 20 तारीख जो डेट है 20 जुलाई, ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं आज के डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की पूरी कहानी पूरा जान लीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो सभी के लिए ज़रूरी है। अभी तो आपको मैं रिटर्न्स दिखा रहा हूं, ये रिटर्न्स की लाइनें हैं, बढ़िया रिटर्न से कोई भी नो डाउट। अब ये 20 जुलाई को होगा क्या, जो डीमर्जर की जो खबरें आप लोग सुन रहे थे ना, डीमर्जर जो होने वाला है जियो का जो, और इसकी प्रीमियम प्राइस की ट्रेड पे प्रीमियम ट्रेड होने वाली है, और 20 जुलाई के बाद। दूसरी तरफ आपको मैं वैल्यूम की बात करूं, तो चलिए वैल्यूम की भी बात कर लिया जाए, आ जाइए वैल्यूम के देखा जाए। ये 30 दिन का एवरेज वैल्यूम 37 लाख, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये 61%,
वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है और ये प्राइस आज का है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ना टुडे। टुडे ये वॉल्यूम आज का देखिए, वॉल्यूम 7 लाख, कल का वॉल्यूम था 86 लाख और 5 दिन पिछले सप्ताह में था 96 लाख। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ऐसे वीडियो देख कर नए लोग फंसेंगे जो एक सप्ताह 30 दिन पहले 60 लाख, उसके बाद फिर ज़बरदस्त खरीदारी हुई FDI में, फिर उसके बाद खरीदारी हुई कल, आज ये क्यों शांत है जानते हैं दोस्तों? आज कितना तारीख है आप ही बताइए ना, कितना तारीख है? आज तारीख है, पहले तो यहाँ पे हम ले आपको लाइव दिखाते रहें ताकि आपको पता चल जाए, ये जो देख रहे हैं ना प्राइस देखते रहिए, और ये बढ़ते, ये 2795 था, 27.99% का प्रॉफिट दे रहा है, अभी देखते रहिए। अब यहाँ पे ख़रीदारी 7 लाख का आज का, ये आज का है, अभी तो 10 बज रहा है दोस्तों, शाम होते होते देखते हैं क्या होता है। ये जो देख रहे हैं ना प्राइस वॉल्यूम, कल 54 लाख था, देखिए 56 लाख था, 54 लाख था, अगर ये 52 लाख भी होता है आज तब तो हम बने रहने के लिए राय देंगे, वरना आपको जो ये प्राइस दिख रहा है ये प्राइस रहने वाला नहीं है। अब आ जाइए दोस्तों, ये तो आपको मिल गया कि करना क्या है, करना क्या है कि अगर ये प्राइस पे बने रहना है तो आज का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कम से कम 50 लाख, एवरेज 50 लाख का वॉल्यूम होना चाहिए। अब आ जाइए दोस्तों, अब इसकी फाइनेंशियल स्टेटस देख लिया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस देखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको भरम में नहीं रहें, पूरी एनुअल PLI देख लिया जाए ताकि आपको कोई असमंजस नहीं रहे दोस्त। एक तो ये देख रहे हैं PLI, PNL और प्राइस भी देखते रहिए, ठीक है, 1% हो गया, देख लीजिए 1% हो गया। और अब लेके चलते हैं हम आपको उस जगह पे, ये ऑपर रेवेन्यू क्वार्टरली मार्च में 1,18,708 करोड़ का। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको पूरी हिस्ट्री बता दें ताकि आप भ्रम में नहीं रहें। अपर रिजवेंट क्वार्टरली मार्च में देखिए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है इसका, 1,06,32, ऑपरेटिंग क्वार्टर प्रॉफिट 18,070, ऑपरेटिंग क्वार्टर डिप्रिसिएशंस 2,703 और इंटरेस्ट 3,745। अब आ जाइए दोस्तों, हमें तो चाहिए ना कि कितना प्रॉफिट इसके पास अभी है, इंटरेस्ट कितना, और यहाँ भी देखते रहिए, ये प्राइस भी देखते रहिए, 1% था 99.91 घट रहा है, 3,000 टैक्स क्वार्टरली 555 करोड़ का टैक्स दिया है, नेट प्रॉफिट 13,821 करोड़, ऑर्डर रिव्यू क्वार्टरली अगर हम 2,15,00,000। अब अजय दोस्तों मैं देखता हूँ आपको ये न्यूज एंड क्या है, तो न्यूज क्या है वो हम आपको दिखा दें।
तो न्यूज क्या है वो भी हम आपको दिखा दें। रिटर्न्स वॉल्यूम देख लिए, फाइनेंस भी देख लिए, टेक्निकल चार्ट भी देख लिया जाए, टेक्निकल चार्ट क्या कहता है। चलिए न्यूज देख लेते हैं पहले, न्यूज क्या कहता है। न्यूज से पहले ये लाइव हम आपको दिखाते रहे, देखते रहिए खेल इसका, आपको यहाँ देखते रहिए। न्यूज कहता है क्या, ये देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर थर्ड स्टेज सेशन, यहाँ पे देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज स्पॉट्स ऑफ फिक्सिंग जुलाई 20 एज रिकॉर्ड डेट फॉर रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स डी मर्जर, हमने पहले बता दिया। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सर्ज 1.99%, ठीक है, और आगे भी है, अभी आगे क्या है वो भी आपको जानना जरूरी है। ये तो देखते रहेंगे, आपको ये देखना जरूरी है। अब आइए दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सर्ज 1.99%, निफ्टी जुलाई फ्यूचर ट्रेड एज प्रीमियम, ठीक है, मैंने पहले बोल दिया। और रिलायंस बीपी कमेंट्स गैस एंड कंडस्टेड प्रोडक्शंस फ्रॉम केजी डी 60 ब्लॉक, ये इसका खेल है। और आपको खेल अगर और चीज़ बता दें, ये तो टेक्निक, अब टेक्निकल देखना भी ज़रूरी है दोस्तों, अब टेक्निकल में देख लीजिए। मूवमेंट इसका बियरिस जीरो है और 16 बुलिश मूविंग एवरेज है, ठीक है। दूसरी तरफ ये आपको चलता रहेगा और चलने के पीछे कारण भी है। अब आ जाइए, इसकी पूरे ओवर एक मंथ की बात कर लें, फाइनेंशियल आपको देख ही लिए, ओवरऑल ये देख लीजिए, रिटर्न्स वॉल्यूम देख लिए, आइए अब ये देता क्या है लोगों को वो भी देख लिया जाए। ये डिविडेंड के नाम पे कितना देता है, तो 2020 में 15:1 का रेशियो पे बोनस दिया था, ये जो देख रहे हैं 15 शेयर पे एक बोनस दिया था, डिविडेंड ये दिया था 2020 में 6.5 रुपया, 2021 में दिया था 7 रुपया, और 2022 में दिया है 8 रुपया, अभी 2023 में कोई भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अभी के चार्ट में, आप देखते देखते 89 पॉइंट, तो पूरा निकल कर डिस्क्लोज करते हैं अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को, और बताते हैं कि ये खेल कैसे शुरू हुआ है और ये खेल कब बंद होगा वो हम आपको बता दें। ये खेल बंद होगा दोस्तों 31 अगस्त को 60% DII बेचकर भागेंगे और 40% जो बचेगा 31 अगस्त को बेचकर भाग जाएंगे, और फिर आप लटक जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेडर हैं तो बढ़िया है, इन्वेस्टर हैं तो डोंट एनी टाइप ऑफ स्टॉक
एट दिस टाइम बाई इन एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का अभी कोई भी समय नहीं। पेनी स्टॉक खरीदिए, लगाते रहिए और ये अवॉइड कीजिए इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट तिजोरी में पैसा रख लीजिए, क्योंकि रोज़ रोज़ हम ये सब नहीं बताते हैं, इसको बताने के लिए लोग पैसा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तिजोरी में पैसा रख लीजिए और पेनी स्टॉक के पीछे भागिए, रोज़ खरीदिए। आपको मैंने बता दिया कई स्टॉक, जो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसी पे बता देता हूँ, विशाल विशाल बेयरिंग और विशाल टेक्सटाइल, ये दोनों स्टॉक आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।